लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रही हैं। डीएनएक्स टीवी ने लगातार सेवाएं देने के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन से लौटी एम्स रायपुर की युवा डॉक्टर शुभांगी तिवारी से कोरोना के संदर्भ में बहुत सारी बातें की। घर और मोहल्ले के लोगों ने इस कोरोना वॉरियर का जोरदार स्वागत किया। कोरोना को लेकर आम लोग काफ़ी सोचते हैं क्या होता है ये, और इसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त करना चाहते हैं। आज हमारे साथ शुभांगी तिवारी हैं, डॉक्टर शुभांगी तिवारी, जो अभी अभी क्वारंटीन से लौटी हैं और रायपुर के एम्स में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और कोरोना के संबंध में सारी चीज़ें जानेंगे, ताकि हमारे दर्शक जो हैं इससे डरे ना और किसी प्रकार का कोई भय उनके अंदर ना रहे। तो हमारे साथ हैं शुभांगी तिवारी, आइए हम उनसे बात करते हैं। शुभांगी जी, बताइए आप कब से वहाँ पर सर्विस में हैं, किस तरह से अभी तक का सफर रहा है? जी, मैं पिछले जुलाई में ज्वाइन की थी एम्स में। मेरे को ऑलमोस्ट एक साल होने को आए हैं, और नॉर्मल ऐसे ड्यूटी चल रही थी वार्ड में, ओपीडी में, तो इतना कुछ नहीं। जब से महामारी आई है उसके बाद से मेरी 14 मई से ड्यूटी लगी थी, 14 से 20 तारीख तक एक हफ्ते की ड्यूटी थी। उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन था और मैं आज लौटी हुई हूँ। देखिए, वहाँ पर मेनली हमारी स्क्रीनिंग में ड्यूटी लग रही थी, अभी JR की स्क्रीनिंग में ड्यूटी लग रही थी। तो वहाँ पर एक दिन में, अगर डे ड्यूटी है तो दिन में 300-400 लोग स्क्रीनिंग के लिए आ जाते हैं। आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो मोर रिस्क है। हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स है, क्या नहीं है। उसके बाद फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, हम टेस्ट करते हैं PPE पहन के, फिर रिपोर्ट्स आती, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, या तो फिर अगर वो पॉजिटिव है तो। और सारी जो भी हमको जितनी भी सफाई की चीज़ें हैं जो हमको बचा सकती है उस बीमारी से, वो सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। तो आप लोग किस तरह से अपने बचाव के लिए क्या करते थे, क्या सुविधाएं मिली हुई? जी, हम लोगों को सारी सुविधाएं मिली हुई थी। हम जैसे ही जाते हैं, मास्क, ग्लव्स, गाउन, जो भी हमारा PPE का इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें एम्स वैसे प्रोवाइड कर रही है। और तो हम अपने आप को खुद पहले सेफ रख ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट भी इससे डरे ना, बल्कि इसका सामना करें। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना, यदि कोई संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद हॉस्पिटल में किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, क्या खाने के लिए दिया जाता है, ये थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अभी जैसे ही कोरोना आया है, ये एक महामारी है जिसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, तो जो सिम्टमैटिक है वो अभी हम सिम्टमैटिक ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, और मेनली हम उनके जो खान पान है उसका ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, दूरी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और मतलब बार बार आप हाथ धोइए, अच्छे से नहाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, ये आपका मेन है। क्योंकि जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात की जा रही थी, पर उसका भी कुछ अभी तक ICMR बोल रहा है कि वो है, पर लेकिन WHO ने बोला है कि नहीं, वो नहीं है अभी, तो उसका भी मतलब उसके बारे में स्टडीज़ चल रही है। तो जब तक दवाई मेंटेन नहीं हो जाती, तो मेन तो हमको उससे बच के रहना है, डरना नहीं है, बस अपना बचाव जैसा कर सकते हैं वैसा करना है। तो क्या क्वारंटीन के दौरान भी कोई दवाएं वगैरह लेने का सलाह देते हैं डॉक्टर्स? जी, हम लोग को प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना बोला गया था, तो वो हम लिए थे, मैंने लिया हुआ है, और वो 6 हफ्ते हमको कंटिन्यू लेना है ऐसा, बस सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और मेन आपका विटामिन सी, जिंक, आप जितना अच्छे से खाओ पियो, मेन आपका वही है कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है। जी, अच्छा, जिस तरह से वहाँ पर जो आते हैं उनको खाने में क्या दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल में आए? जी, मॉर्निंग में आपको नाश्ता मिलता है, तो आपको पनीर के टुकड़े दिए जाते हैं, कोई वेज है, नॉन वेजिटेरियन है तो उसको अंडा दिया जाता है। मेन हाई प्रोटीन डाइट है, आपको अच्छे से मतलब खान पान का ज़्यादा वहाँ पर अच्छे से मतलब मेंटेन करके वो उसका ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। जिस तरह से आइसोलेशन में जब जाता है मरीज को, जब लेके जाते हैं वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, तो वो एक कितने दिन लगते हैं उसको, यदि वो कोरोना संक्रमित है तो कितने दिन में वो? देखिए, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है, जैसे उसका इम्यून, जैसे कि कोई आया है, कई लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। मेनली अगर आप किसी और बीमारी के साथ हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या आपको किसी भी दिल की बीमारी है, तो वो ज़्यादा प्रोन है
थोड़ा हाई रिस्क के लिए, एज का मैटर करता है, एज फैक्टर है वो हाई रिस्क के लिए प्रोन है। बाकी कोई यंग एडल्ट है तो उसको अगर कोरोना हो भी गया है तो वो इससे उसका सामना करके मुकाबला करके वापस, अभी देखे होंगे छत्तीसगढ़ में इतना नहीं है, है केसेस बढ़ रहे हैं पर फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्चार्ज हो गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ एडमिट हो रहे हैं, हर दिन 10 से 12 लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो अब संख्या तो बढ़ेगी पर डिस्चार्ज, ये हमको मिलकर सामना करना है, इससे लोग इम्यून हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो जिस तरह से ज़्यादा लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में ठीक हो रहे हैं तो क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? देखिए अभी लोग अब यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी भारत की इम्यूनिटी वैसे बेटर है मुझे लगता है बाकी देशों से, क्योंकि यहाँ के लोग मतलब मेन क्या है, यहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, मतलब ठीक है नॉनवेज भी है बट ऐसा सी फूड या वैट ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो फैक्टर बता रहा है कि जिससे वो फैला हुआ है। और अभी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो संख्या कम ही है पर धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि बाहर से मजदूर बाहर आ रहे हैं। हाँ तो अब आगे देखते हैं क्या है, होप है कि बस बच के रहना है, उससे और तो कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं वो एकदम शुरुआती स्टेज में आ जाते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द ठीक होने का कारण ये भी है? देखिए एक वायरल लोड होता है कि ऐसा नहीं है कि आप संक्रमित हो भी गए हैं तो आपको कोरोना होगा ही। जैसे एक पेशेंट आया था तो ठीक है वो पॉजिटिव है पर वो चार दिन के बाद फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है, वो एक वायरल लोड है, वो आपकी क्षमता के अनुसार है कि आप नॉर्मल खांसी सर्दी सबको हो रही है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो कोरोना हो, और अगर है भी तो आप एक वायरल लोड होता है कि कितना वायरस आपकी बॉडी में गया है, आप कितने इम्यून हो उससे, वो उसके हिसाब से वो डिपेंड कर रहा है कि वो जल्दी ठीक हो रहे, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी से नहीं आए, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। हाँ इसलिए क्योंकि कोरोना का जैसे स्टेज बताया गया है 4 या 5 स्टेज है, शायद 5वें स्टेज के बाद जो है वो कम होना शुरू होता है, तो शुरुआती स्टेज जो है उसमें ही यहाँ पर पता लग जा रहा है और जल्दी ठीक होकर चले जा रहे हैं। देखिए उसका इंक्यूबेशन है 7 से 14 दिन जो बताया गया है, तो वैसे अगर तुरंत कोई बाहर से आया है और टेस्ट आ रही है नेगेटिव तो उसके लिए भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट रिपोर्ट उसके कुछ सिम्टम्स आए तो वो पॉजिटिव आ जाए, तो वो वायरल लोड वो इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से है, पर लेकिन उस टाइम पर भी वो इंसान मतलब बीमारी फैला सकता है ऐसा है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से है सब चीज़। इसका सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये खाना है या ये इस तरह से तुलसी के पत्ते की बात हुई और हल्दी की बात होती है, तो ये कहाँ तक उचित है सही है? देखिए सबसे मेन तो वही बोले कि जो भी है सब इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी चीज़ आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है चाहे वो हल्दी हो चाहे वो तुलसी हो, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे गुण हैं, चाहे वो किचन की जितने भी सामान है उसमें सब में बहुत सारे गुण हैं, तो जितने भी चीज़ें अगर इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है वो आपको और स्ट्रांग करती है, तो अगर आप कभी पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो आप उससे उभर आएंगे बाहर, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वायरल फीवर वायरल जो भी होते थे हम सबको पहले हो चुका है ये, तो वो सारी चीज़ें से हम बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं बिकॉज उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग की जा रही है, वही है कि अपनी खान पान में ज़्यादा ध्यान दें और इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। सम्मान हुआ, बहुत सारी बातें आपको कैसा लगता है? जब पहले शुभांगी ने घर में आके बताया कि कोरोना वार्ड एम्स में उसकी ड्यूटी लग रही है तो घर का माहौल एकदम शोकाकुल हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कैसा किया जाए। एक बार तो मन में आया कि नाम कटवा दिया जाए, इकलौती संतान है, मन में आया कि नहीं कराया जाए ड्यूटी रिजाइन, पहले एक बार मैं बोली भी कि रिजाइन कर, फिर लगा नहीं ये तो उसके फर्ज के साथ गद्दारी होगा, अगर हम लोग हमने उसको डॉक्टर बनाया है और अगर इस मतलब इस समय जब राष्ट्र को उसकी ज़रूरत है और अगर हम लोग पीछे हटते हैं तो कोई ना कोई उसकी जगह ड्यूटी करेगा, वो भी तो किसी ना किसी की संतान है। तो शुभांगी पूछी मम्मी अब क्या करना चाहिए, तो फिर मेरे मन में पहले रात तो मैं सोची, फिर मैं बोली नहीं मैं तेरे जगह होती तो मैं ड्यूटी करती, और मैं बोली मेरा अगर कोई बेटा भी होता तो मैं उसको तो सबसे पहले फौज में ही डालती क्योंकि मेरे काफ़ी दिली इच्छा थी कि अगर बेटा होता तो मैं तो किसी भी कीमत में उसको फौज में ही भेजे रहती करके। बोली अब तेरे को एक मौका है, राष्ट्र की सेवा करने का डॉक्टर है तो मानवता का फर्ज तो निभा ही रही है, मानव सेवा तो कर ही रही है, तो इस बार राष्ट्र का भी फर्ज अदा कर और कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर करके। जिस तरह से आज सम्मान हुआ कोरोना वॉरियर्स का, कितना गर्व महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं शुभांगी तिवारी डॉक्टर मेरी बेटी है और वार्ड वालों की भी सहयोग बहुत मिला। हमने शुभांगी के स्वागत के लिए पहुंचे लोगों से भी बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग को बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है और जैसे ही हमारी बहन का ड्यूटी लगा तो हमने भगवान से ही प्रार्थना की है कि वो अपना कर्तव्य को अच्छे से वहाँ निभाए
और अच्छे से कुशलतापूर्वक वहाँ पर अपना काम करके जो घर वापस आ करके, और सभी लोगों ने उनके लिए दुआएं शुभकामनाएं दी थी कि अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे ही शुभांगी दीदी यहाँ पर आई उनका स्वागत किया गया, जो हमारे लिए और इस वार्ड के लिए पूरे गौरव की बात है। हमारे साथ डॉक्टर शुभांगी तिवारी मौजूद थी, साथ ही उनके माता पिता और मोहल्ले के सभी लोग मौजूद थे, और सभी लोगों को शिवांगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है और आगे भी वो ऐसा ही काम करते रहे, ऐसी सबकी सोच है।